पंचायत के आम निर्वाचन 2022 जो कि 3 चरणों में होना है और इसके लिए जो समय है प्रातः 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मतदान का प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक 2 घंटे में हमें महिला और पुरुष के मतदान का प्रतिशत देना होता है, तो इस प्रतिशत को हम कैसे निकालें। अब मतदान का जो प्रतिशत है वो कोई भी मतदान अधिकारी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम बात करें कि प्रत्येक 2 घंटे में हमें महिला और पुरुष के मतदान का प्रतिशत देना होता है, जैसे 7 से 9। अब इस घंटे के बीच में पर्टिकुलर 7 से 9 बजे के बीच में कितने पुरुष ने मतदान किया है और कितनी महिलाओं ने मतदान किया है, इसका प्रतिशत हमें निकालना होता है। साथ ही इसमें हमसे कई बार पूछा जाता है कि अभी तक कुल कितने मतदान हुए हैं महिला के और पुरुष के, इसकी संख्यात्मक जानकारी और इसका परसेंटेज भी बताएं। अब तक से तात्पर्य कि जैसे 11 बजे हमसे इस प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है, तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कुल कितना पुरुष मतदान हुआ है, महिला का कितना परसेंटेज है और ओवरऑल जो परसेंटेज है पुरुष और महिला का वो क्या है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हमें हो जाता है। आज हम देखेंगे कि इन परसेंटेज को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो मतदान केंद्र है इसमें कुल कितने पुरुष हैं, कितने महिला मतदाता हैं और कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, जो कि हमें मतदाता सूची में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 400 पुरुष मतदाता लिखा है और 300 महिला मतदाता, और इन दोनों का जो टोटल है कुल 700 मतदाता इस मतदान केंद्र पर है फॉर एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों परसेंटेज को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि प्रतिशत की हम बात करें तो इसके लिए एक साधारण सा सूत्र है, प्रतिशत बराबर कुल डाले गए मत गुणा 100 बटे कुल मतदाता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक कुल 35 पुरुषों ने मतदान किया है। अब इसका प्रतिशत हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है प्रतिशत बराबर कुल डाले गए मत गुणा 100 बटे कुल मतदाता। तो कुल डाले गए जो मत हैं वो 35 है हमारे पास में, तो हम 35 लिखते हैं और इसमें 100 का गुणा करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं और इसे बराबर करते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा 3500। अब इसमें हमें भाग देना है कुल मतदाता का, तो जैसे हमें पता है मतदाता सूची के आधार पर हमने देख लिया है कि हमारे पास में कुल कितने पुरुष मतदाता है, तो जितने पुरुष मतदाता हो उसका आपको भाग देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 400 लिखा है तो हम 400 का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगा वो आप देख सकते हैं 8.75। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 8.75। इस प्रकार से जो पुरुष का जो मतदान प्रतिशत है वो 8.75% आ चुका है प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक। इसी प्रकार हमें महिला मतदान का जो प्रतिशत है वो ज्ञात कर लेना है। अब जैसे 30 महिलाओं ने मतदान किया है प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, इसका प्रतिशत यदि हम निकालेंगे तो इस प्रकार से 10% यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 10% कैसे आया, तो जैसे फॉर्मूला है कि कुल डाले गए मत गुणा 100, तो यहाँ पर कुल डाले गए जो मत हैं वो 30 है और इसमें हमें 100 का गुणा करना है, तो हम 30 में 100 का गुणा करते हैं, 30 गुणा 100 बराबर करेंगे तो आप देख सकते हैं 3000 आ चुका है। अब इसमें हमें कुल मतदाता की जो संख्या है इसका भाग देना है, तो कुल महिला मतदाता जो है वो 300 है, तो हम 300 का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जो परसेंटेज हमारा आएगा वो 10% आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमने 10% लिख दिया है। इसी प्रकार हमें कुल मतदान का प्रतिशत इसमें निकालना है। अब कुल मतदान का प्रतिशत निकालने के लिए आपको पुरुष मतदाता और महिला मतदाता इन दोनों की संख्या जो है वो टोटल करके यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 35 प्लस 30, इस प्रकार से यदि टोटल करेंगे तो 65 आ जाएगा और कुल जो मतदाता जो रहेंगे इसमें वो 700 रहेंगे। अब हमें 65 में 100 का गुणा करना है और 700 का भाग दे देना है। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं 65 × 100 और बराबर करेंगे तो आप देख सकते हैं 6500 आ चुका है। अब इसमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है इसका भाग देंगे, तो कुल मतदाता जो है वो 700 है, तो हम 700 का भाग देते हैं भागित 700 और इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगा, जैसे हम देखते हैं तो कैलकुलेशन आपका आया परसेंटेज में 9.28%। तो यहाँ पर कुल जो मतदान का प्रतिशत हो जाएगा 9.28%। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल परसेंट है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब तक कितना परसेंट हुआ है, इसे हम कैसे ज्ञात करें। जैसे एक रो और हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर 9 से 11 के बीच में, सपोज 45 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया तो इसका परसेंटेज हम यहाँ पर लिख लेंगे
और मान के चलते हैं 55 जो महिलाएं हैं इन्होंने मतदान किया, तो इसका परसेंटेज भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे 45 पुरुष के लिए यदि परसेंट निकालना है तो इसके लिए 45 × 100 तो 4500 हो जाएगा, और इसे हमें डिवाइड करना है 400 से तो भागित 400, और इसे कैलकुलेट हम करेंगे तो 11.25, तो यहाँ पुरुष का जो मतदान हो जाएगा 11.25%। इसी प्रकार महिला का जो निकालना है हमें, तो 55 × 100 तो 5500 डिवाइड बाई टोटल जो महिलाएं हैं 300, तो 300 का हम भाग दे देंगे और इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस प्रकार से जो महिलाओं का मतदान का प्रतिशत है वो 18.33 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18.33%। इसके पश्चात हमें जो कुल मतदान का प्रतिशत निकालना है, इसके लिए इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, तो 55 + 45 तो 100 हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत हम निकालेंगे तो 100 × 100, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और इसमें हमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है इसका भाग देना है। कुल मतदाता जो है हमारे पास में 700, तो हम 700 का भाग देंगे और इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका परसेंट जो आएगा हमारे पास में वो 14.28% रहेगा, तो हम यहाँ पर 14.28% लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि 11 बजे हमसे किसी ने पूछा कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है पुरुषों का, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इसके लिए हमें अब तक जितने पुरुष मतदाता हैं इनकी संख्या इसमें काउंट करना होगा। जैसे 35 + 45 तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 हो जाएगा कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या। अब 80 का प्रतिशत हमें निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए 80 में 100 का गुणा करना है तो 8000 हो जाएगा, और इसमें कुल पुरुष मतदाताओं का भाग देना है, तो कुल पुरुष मतदाता है हमारे 400। जैसे हम 8000 में 400 का भाग देंगे तो इसका जो परसेंटेज आएगा हमारे सामने, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप परसेंट देखेंगे 20%। तो अब तक जो है 20% पुरुषों का मतदान हो चुका है। इसी प्रकार महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है इसे भी हमें निकालना होगा। इसे निकालने के लिए अब तक जितनी महिलाओं ने मतदान कर चुका है इनकी संख्या को काउंट करना होगा। जैसे 55 + 30 तो 85 यहाँ पर हो जाएगा। अब 85 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 85 × 100 तो 8500 हो जाएगा, और इसमें कुल महिला मतदाताओं की जो संख्या है इसका भाग दे देना है, तो भागित जो है वो 300 हम कर देते हैं, और इसका कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं 28.33%। तो यहाँ पर महिला मतदाताओं की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो 28.33 रहेगा। अब कुल मतदान का प्रतिशत हमें निकालना है पुरुष और महिला का, तो इसके लिए हमें दोनों संख्याओं को काउंट करना होगा। जैसे 80 + 85 तो इस प्रकार से 165 संख्या हो जाएगी। अब 165 का जो है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए 165 में 100 का गुणा करना है तो 16500 यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है इसका भाग देना है। कुल मतदाता है हमारे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 700 है, तो 700 का हम भाग देंगे, भागित 700, और इसे कैलकुलेट करके हम देखेंगे तो इसका जो परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 23.57। तो इस प्रकार से जो अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है इसका प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ 7 से 9, इसमें जो सेम यहाँ पर जो डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन नीचे जो डेटा है वो बढ़ते क्रम में रहेगा। इसी प्रकार हमसे 1 बजे जानकारी मांगी गई, अर्थात 7 बजे से 1 बजे तक कुल कितना मतदान हुआ है इसका परसेंट पूछा गया है, तब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 35 पुरुषों ने मतदान किया और यहाँ पर 35 महिलाओं ने मतदान किया। अब यदि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे पुरुष के लिए कैलकुलेशन करना है, तो इन तीनों को आपको काउंट करना होगा। तो जैसे इन तीनों का जो टोटल है वो 115, तो आपको कुल 115 यहाँ पर लिख देना है पुरुष मतदाताओं की संख्या पर, और महिला मतदाताओं की जो संख्या है इनका भी आपको टोटल करना होगा। तो इनका टोटल आप देख सकते हैं 120, तो आपको 120 यहाँ पर लिख देना है, और इनका जो भी प्रतिशत आए वो आपको इसमें फिल करना होगा, और इसका ओवरऑल परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से प्रत्येक 2 घंटों में मतदान का जो प्रतिशत है इसे निकाल सकते हैं, साथ ही अब तक कुल कितना मतदान हुआ है इसका मेल और फीमेल वाइज जो परसेंटेज है वो भी हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ये थी मतदान का प्रतिशत निकालने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।